किडनी को डिटॉक्स रखना क्यों जरूरी होता है, क्या आपने कभी सोचा है? हम ऐसी कौन सी गलती कर देते हैं जिससे किडनी डैमेज हो जाती है, या फिर क्रिएटिनिन किडनी को डैमेज कर सकता है या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देंगे, इसलिए हमारी इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपको हमेशा किडनी से जुड़ी कई जरूरी जानकारी देते हैं। आज हम आपसे किडनी को साफ रखने के लिए कुछ तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, प्रेस दी बेल आइकन। मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी होती है उनकी डाइट। जब आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल कर लेते हैं जिसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, सोडियम कार्बोनेट, फॉस्फोरस और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो ये हमारे शरीर में क्रिएटिनिन का निर्माण करती हैं। शरीर में अधिक क्रिएटिनिन किडनी को डैमेज करने का कारण होता है, क्योंकि जब ब्लड में क्रिएटिनिन अधिक होता है तो किडनी इसको ढंग से साफ नहीं कर पाती। क्रिएटिनिन इंक्लूडेड ब्लड को जब किडनी साफ करती है तो इससे किडनी के टिश्यू डैमेज होते जाते हैं। रोज़ यही प्रोसेस आपकी किडनी को पूरी तरह ख़राब कर सकती है, इसलिए किडनी को स्वस्थ रखने के लिए उसका डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए ज़रूरी है आप अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को शामिल करें। मुझे उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब जानते हैं कौन सी चीज़ों को शामिल करना किडनी के लिए लाभदायक है। किडनी शरीर में फिल्टर मशीन की तरह काम करती है। अगर किसी कारण से किडनी अपना काम ढंग से ना करे तो इसका मतलब है कि किडनी स्वस्थ नहीं है, इसलिए इसको डिटॉक्स करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। किडनी को डिटॉक्स करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है लाल अंगूर। लाल अंगूर में विटामिन सी, विटामिन B6, फॉलेट, पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। ये ना सिर्फ किडनी को डिटॉक्स करता है बल्कि शरीर में होने वाली समस्याओं को दूर करता है। लाल अंगूर का सेवन आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बचाता है, ये कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है, साथ ही इम्यून सिस्टम को बरकरार रखता है। जो लोग किडनी की समस्या से परेशान हैं उन्हें इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे किडनी को डिटॉक्स करने के दूसरे उपाय के बारे में, जो है दही। किडनी को डिटॉक्स करने के लिए अगला साधन है दही। किडनी को डिटॉक्स करने में दही काफ़ी फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी किडनी को अंदर से साफ रखते हैं। साथ ही दही का सेवन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है और इसमें मौजूद गुड बैक्टीरिया आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। हमने हमेशा कहा है कि किडनी के मरीजों को उनकी डाइट में क्या देना है यह उनकी रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, इसलिए दही का सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं या नहीं इसके लिए उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। बढ़ते हैं किडनी डिटॉक्स के अगले उपाय की तरफ, जो है नींबू। नींबू पानी का सेवन अधिकतर लोग पसंद करते हैं, इसको पीने का अपना ही एक मज़ा है। लोग इसको अपने स्वाद के हिसाब से पीते हैं, कुछ लोग इसमें चीनी डालकर पीते हैं, कई लोग इसका सेवन नमक डालकर करते हैं और कई लोग नमक और चीनी दोनों डालकर इसको पीते हैं। अगर बात किडनी को डिटॉक्स करने की करें तो नींबू का सेवन किडनी को डिटॉक्स करने का अच्छा साधन है, क्योंकि नींबू में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है जो आपके शरीर से गंदगी को बाहर करती है। प्रतिदिन एक गिलास पानी में आधे नींबू का रस डालकर पीना किडनी को डिटॉक्स करने का अच्छा साधन और सफल साधन है, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी आपके शरीर पर नहीं होता। ध्यान रहे, जिन्हें किडनी में खराबी है उन्हें इसका सेवन नहीं करना है। इसका सेवन सिर्फ स्वस्थ किडनी वाले लोग करें, या फिर जिनकी किडनी में स्टोन हो उन्हें इसका सेवन करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह के साथ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किडनी को डिटॉक्स करने के अगले उपाय के बारे में, जो है अदरक। अदरक भी किडनी को अंदर से साफ करने में सहायता करता है। अदरक में क्लोरीन, आयोडीन, विटामिन्स और कैल्शियम सहित बहुत सारे गुण होते हैं जो किडनी को ना सिर्फ डिटॉक्स करते हैं बल्कि शरीर में होने वाली समस्याओं को भी दूर करते हैं। अगर आप प्रतिदिन सीमित मात्रा में अदरक का सेवन करते हैं तो इससे किडनी हेल्दी रहती है। किडनी के मरीज अदरक का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें और स्वस्थ व्यक्ति भी इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें, इसका अधिक सेवन हानिकारक हो सकता है। आखिर में है लाल शिमला मिर्च। अगर बात लाल शिमला मिर्च की करें तो किडनी को डिटॉक्स करने में यह सहायक होती है। इसमें भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन सी पाया जाता है। साथ ही इसमें पोटेशियम की कम मात्रा होती है जो किडनी के लिए अच्छी है। किडनी के मरीज लाल शिमला मिर्च का सेवन कर सकते हैं, पर इसका सेवन उन्हें कितनी मात्रा में करना है इसके लिए उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी होती है। तो ये हैं कुछ चीज़ें जिनको अपनी डाइट में शामिल कर आप किडनी को अंदर से साफ रख सकते हैं। इनमें से आप जिनका भी सेवन करें डॉक्टर की सलाह लेकर ही करें। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मयुर्दा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मयुर्दा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सभी समस्याओं का समाधान मिलता है।
करमायरदा में आपको बेहतर डाइट की जानकारी भी दी जाती है, क्योंकि करमायरदा में कुशल डाइटिशियन है जो आपको डाइट की सही जानकारी देते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप करमायरदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। करमायरदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। जी, क्या नाम है पेशेंट का? पूनम श्रीवास्तव। कौन है आपके? डॉक्टर। अच्छा, तो जब आए थे क्या क्या तकलीफ हो रही थी? तब साहब तकलीफ तो बहुत तकलीफ थी, उसको पानी नहीं निकल पा रही थी वो। अच्छा, 7 दिन से। अच्छा, आज वो 2 रोटी खा लेती है। अच्छा, सेहत में बहुत सुधार है, अपने आप चल फिर लेती है, बहुत सुधार है। और क्या क्या फर्क है? हर तरह सा फर्क है। लेटिन सप्ताह भर में या 15 दिन लेटिन खाती नहीं थी तो लेटिन कैसे जाए? आज विधिवत जो है वो 24 घंटे में एक बार लेटिन जाती है, अपना खाना खा रही है, फल खा रही है, हर चीज़ पच रही है। 2-4 दिन के बाद में कभी कभी वोमिटिंग हो जाती है और कोई तकलीफ नहीं, सब आराम, बहुत आराम। ठीक है, तो अभी जब आप कहाँ से आते हैं? हम फरुखाबाद से, यूपी से। फरुखाबाद में कहाँ से? फरुखाबाद फतेड़ स्टेशन के पास है। अच्छा, तो जब कितने महीने हुए आपको दवाई स्टार्ट करे हुए? अभी तो 1 महीना हुआ। अच्छा, अभी 1 ही महीने में? अभी 1 महीना हुआ है, वो जानते नहीं थे कि इसको कोई परेशानी हुई। दवा जी ने दवा जो है वो एक थोड़ा सा डॉक्टर उसका आई, उसको हाई फीवर वो जो है मलेरिया या वो था क्या नाम ये बुखार उखार थे, तो झोला सा डॉक्टर उसे कराने की वजह से जो है गर्म दवाई खाने की वजह से उसके दिक्कत आई। चलिए कोई नहीं, आप लग के फॉलो कीजिए जैसे जैसे आपको बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे चेंजेस आपको किसी पर। ठीक है, आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, साथ ही इस जरूरी जानकारी को शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं।